सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। स्टार्ट करते हैं। सो विल टॉक अबाउट FM एंड OCF। देखो फटाफट, आज आई विल कंटिन्यू हेयर ओनली। आज है स्पेशल क्लास है पर मैं यहीं कंटिन्यू कर लूँगा। पर्ट CPM कल हुई थी ना, पर्ट CPM कल स्पेशल क्लास में हुई तो थी। पर्ट CPM क्लास लगाओगे नहीं या फिर बोलोगे? चलो देखो क्या सवाल है। वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन द ट्रायंगुलर कैनाल इज 4 मीटर पर सेकेंड। फ्राउड्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू इट इज 1.2। स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द सेक्शन। फ्राउड्स नंबर दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, स्पेसिफिक एनर्जी पूछ रहा है आपसे। RCC तो यहीं कंप्लीट करा देते ना सारे सवाल कर, YouTube पे सारे सवाल कंप्लीट करा देते, इसलिए स्पेशल क्लास में नहीं हुआ, वहां दूसरा सब्जेक्ट करा दिया। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है। बोल रहा है फ्राउड्स नंबर की वैल्यू 1.2 है, स्पेसिफिक एनर्जी निकाल के बताइए। वेलोसिटी दे रखी है आपको, वेलोसिटी इज गिवन टू यू। तो फ्राउड्स नंबर की मदद से क्या निकाल सकते हो? विद द हेल्प ऑफ फ्राउड्स नंबर व्हाट कैन बी फाउंड? फ्राउड्स नंबर की मदद से हम डेप्थ निकाल सकते हैं। तो फ्राउड्स नंबर की मदद से हम डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। निकाल के बताइए व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट, क्या वैल्यू निकल के आ रही है। तो लेट सपोज ये हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन है, दिस इज द ट्रायंगुलर सेक्शन। सो ट्रायंगुलर सेक्शन, स्लोप है 1 m, डेप्थ है y, टॉप विड्थ होगी कितनी, 2 my। सो टॉप विड्थ विल बी 2 my, ठीक है। सो फ्राउड्स नंबर की वैल्यू, तो फ्राउड्स नंबर की वैल्यू दे रखिए 1.2। फ्राउड्स नंबर इज इक्वल टू व्हाट? फ्राउड्स नंबर किसके बराबर होती है? फ्राउड्स नंबर इज इक्वल टू v अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ g a बाय t। सो इट इज इक्वल टू v स्क्वायर रूट ऑफ g एरिया। एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, 2 my इनटू y। और टॉप विड्थ कितनी है? टॉप विड्थ है हमारी 2 my, सो 2 my, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट। इसका मतलब क्या आ गया? v स्क्वायर रूट ऑफ g y बाय 2। वैल्यू पुट करो, सो 1/2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 10 इनटू y बाय 2। सॉल्व करो, डेप्थ ऑफ फ्लो निकाल के बताओ। सॉल्व एंड कैलकुलेट दी डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी आ रही है। व्हाट दी डेप्थ ऑफ फ्लो कमिंग आउट, इसको सॉल्व किया, डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी निकल के आ रही है? टू पॉइंट टू सिक्स। सो डेप्थ ऑफ फ्लो आ गई हमारी 2.26। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको? अब आपको स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी है। तो स्पेसिफिक एनर्जी इज इक्वल टू y प्लस v स्क्वायर बाय 2g। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है? स्पेसिफिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दी चैनल बेड। तो चैनल के बेड के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी होती है उसको स्पेसिफिक एनर्जी बोल देते हैं। यानी डेटा बेड कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो वैल्यू पुट कर दो आगे। सो 2.26 प्लस वी स्क्वायर, वी कितना है हमारा? 4 का होल स्क्वायर बाय 2 × 10। कैलकुलेट कर लो, दिस इज द स्पेसिफिक एनर्जी। सबका ही आ रहा है 3.06। तो स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ दिस ट्रायंगुलर कैनाल कम्स आउट टू बी 3.06। इस ट्रायंगुलर कैनाल की स्पेसिफिक एनर्जी आ जाती है 3.06, ठीक है। तो पहला सवाल ही OCF का था, द फर्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और OCF में से सवाल आएगा तो इन FM देर इज अ डेफिनेट प्रॉब्लम फ्रॉम OCF, और बहुत ही सिंपल सवाल होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता उसके अंदर, ठीक है कांशा? चलिए एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और FM तो इनफैक्ट अभी कराई भी है मैंने आपको, पूरा कंप्लीट FM वी हैव डिस्कस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन 1:40 मॉडल ऑफ स्टिलिंग बेसिन फिल्ड इन द वाटर एनर्जी डेसिपेशन इन मॉडल इज 0.65 किलोवाट, द करस्पॉन्डिंग एनर्जी डेसिपेशन इन प्रोटोटाइप फॉर द सेम फ्लूइड। अच्छा बताना ये एनर्जी डेसिपेशन, एनर्जी डेसिपेशन किसकी मदद से कराते हैं? स्टिलिंग बेसिन में एनर्जी डेसिपेशन किसकी वजह से की जाती है? इन स्टिलिंग बेसिन द एनर्जी डेसिपेशन इज कॉज्ड ड्यू टू व्हाट? कौन सा फ्लो हो रहा होता है? तो स्टिलिंग बेसिन की बात कर रहा है, स्टिलिंग बेसिन के अंदर जो एनर्जी डेसिपेशन होती है हम किसकी मदद से करवाते हैं? बेफल वॉल, हाइड्रोलिक जंप की मदद से। देखो निशाने बोला है, बिल्कुल सही, हाइड्रोलिक जंप की मदद से एनर्जी डेसिपेशन कराते हैं ना। तो स्टिलिंग बेसिन में क्या बनती है? स्टिलिंग बेसिन में हाइड्रोलिक जंप बनती है। हाइड्रोलिक जंप को स्टैंडिंग वेव भी बोला जाता है। हाइड्रोलिक जंप में ऑल्सो बी टर्म्ड एज स्टैंडिंग वेव। तो इन स्टिलिंग बेसिन वी लीड द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोलिक जंप और द स्टैंडिंग वेव विच कॉजेज द एनर्जी डेसिपेशन। क्लियर है? अब जैसे पता चला हाइड्रोलिक जंप, कौन सा मॉडल लगेगा? तो 1:40 मॉडल बोल रहा है स्टिलिंग बेसिन का। कौन सा है? डोमिनेटिंग फोर्स। तो जब ये पता चल गया हाइड्रोलिक जंप है, हमारा डोमिनेटिंग फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कौन सा मॉडल लॉ लगेगा? फ्राउड्स मॉडल लॉ लगेगा। सो विल टेक द हेल्प ऑफ द फ्राउड्स मॉडल लॉ। क्लियर है? तो एज पर फ्राउड्स मॉडल लॉ क्या बोलता है? फ्राउड्स मॉडल लॉ, फ्राउड्स मॉडल लॉ बोलता है कि जो फ्राउड्स नंबर है मॉडल की और जो फ्राउड्स नंबर है प्रोटोटाइप की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर मॉडल और प्रोटोटाइप की फ्राउड्स नंबर सेम हो, इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो क्या निकल के आती है? स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ रेशियो निकल के आती है। अगर वेलोसिटी रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ रेशियो निकल के आती है, पावर रेशियो क्या निकल के आती है? ये तो अभी कराया है, तीन चार दिन पहले क्या, एक हफ्ते पहले। लेंथ रेशियो कम्स आउट टू बी, पावर रेशियो कम्स आउट टू बी लेंथ रेशियो रेस टू द पावर 3.5। बिल्कुल सही बात है सत्यशंकर, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो खत्म हो गई कहानी, प्रॉब्लम इज फिनिश्ड। तो ये बोल रहा है पावर ऑफ द मॉडल टू द पावर ऑफ द प्रोटोटाइप इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ रेशियो रेस टू द पावर 3.5। प्रोटोटाइप की पूछ रहा है, पावर डेसिपेशन ऑफ द प्रोटोटाइप इज पावर ऑफ द मॉडल टू द लेंथ रेशियो रेस टू द पावर 3.5। निकाल लो कितना वैल्यू आ रहा है। सो 0.6 इंटू 1/40 रेस टू द पावर 3.5, यानी 0.6 इंटू 40 रेस टू द पावर 3.5। तो प्रोटोटाइप में डेसिपेशन कितनी हो रही है? प्रोटोटाइप में डेसिपेशन कितनी हो रही है? मोसिन, देखो ये किसमें पूछ रहा है, मेगावाट में। ये किसमें दे रखी है? किलोवाट में। तो यूनिट्स का ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ यूनिट्स। अब देखो तुमने पूरा आंसर सही निकाला है, पर यूनिट्स में गड़बड़ी कर दी। तुमने आंसर किस में बता दिया? किलोवाट में बता दिया, 242862। तो अगर 242862 है, सो 242862 हमारी वैल्यू क्या ही है? किलोवाट। तो मेगावाट में कितना होगा? 242.86। तो आपने आंसर बताया किलोवाट में, पर आंसर पूछ किस में रहा है? वो मेगावाट में पूछ रहा है। तो यूनिट्स का ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ यूनिट्स। क्लियर है? वॉइस थोड़ा कम ज्यादा हो रही है, ऐसा कैसे? सबके लिए हो रही है क्या कम ज्यादा वॉइस? सही है सिस्टम तो पूरा ठीक है। चलो देखो अगला सवाल, परफेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? अगला सवाल, अ जेट ऑफ द वॉटर इज A jet of water is issues from a 5 cm diameter nozzle held vertically upward at a velocity of 20 meter per second. If the air resistance consumes 20% of the initial energy of the jet, then it would reach a height above the nozzle of. Okay, बढ़िया सवाल है। ये आपके IIT कानपुर का सवाल है। एक क्वेश्चन मोमेंटम इक्वेशन पे लो आ गया, एनर्जी इक्वेशन आ गई, मोमेंटम इक्वेशन भी आ जाएगा अभी आगे।
तो सवाल क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम सेज व्हाट? प्रॉब्लम सेज एक जेट है, देयर इज अ जेट जो वाटर इशू कर रहा है, विच इज इशूइंग अ वाटर. सो जेट विच इज इशूइंग अ वाटर, डायमीटर दे रखी है जेट की, डायमीटर ऑफ द जेट इज गिवन 5 सेंटीमीटर. वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी है हमारी 20 मीटर पर सेकंड की. हेड लॉस दिया हुआ है, हाइट पूछी है आपसे, हाइट पूछी है इसने आपसे, कितनी हाइट तक पानी ऊपर जाएगा, अप टू विच हाइट दी वाटर विल गो. तो लगाओ एनर्जी इक्वेशन, इसको हमने कंसीडर कर लिया सेक्शन वन, इसको हमने कंसीडर कर लिया सेक्शन टू. तो सेक्शन वन सेक्शन टू यही हमारा डेटम है, तो सेक्शन वन को डेटम मान लिया. सो डेटम हेड, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड, टू पे आ जाओ, डेटम हेड, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड प्लस हेड लॉस. और हेड लॉस कितनी है? हेड लॉस इज इक्वल टू 20% ऑफ द इनिशियल एनर्जी ऑफ द जेट. सो 20% ऑफ द इनिशियल एनर्जी ऑफ द जेट, सो 20% ऑफ द इनिशियल एनर्जी ऑफ द जेट. तो यानी एच की वैल्यू कितनी हो गई? एच की वैल्यू हो गई हमारी 0.8 V² / 2G. सो 0.8 V² / 2G, तो निकाल लो कितनी वैल्यू है. सो 0.8 20² / 2 × 10, दिस इज द वैल्यू ऑफ हेड. ये हमारी हेड निकल के आ गई, कितना आ रहा है? 16.3 मीटर. सो आंसर कम्स आउट टू बीबी, बढ़िया सवाल है. तो है छोटा सा सवाल, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, पर सॉल्व करने के लिए सारी जानकारी होनी चाहिए आपके पास, द इंटायर इंफॉर्मेशन शुड बी देयर. 16.3 मीटर. क्लियर है? चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं. सर में दर्द हो रहा है. चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट. मिक्स वीडियोस बाय प्रेमा. चलो, एन आइसोसेलस ट्राइंगुलर प्लेट ऑफ बेस 6 मीटर एंड एल्टीट्यूड 6 मीटर इज इमर्ज्ड वर्टिकली अपसाइड डाउन इन एन ऑयल of specific gravity 0.8. The base of the plate coincides with the free surface of the oil. The total pressure acting on the plate. Total pressure पूछ रहा है, hydrostatic force. Hydrostatic force on submerged bodies. तो hydrostatic force on submerged bodies. तो बोल रहा है कि isosceles plate है. उल्टा टंगा दिया इसको आपने. तो उल्टा लटका दिया इसको isosceles plate को. किसके अंदर? Oil के अंदर. ये हमारा oil है. Specific gravity दे रखी है. ये है 6 मीटर और इसकी हाइट भी कितनी है? 6 मीटर. हाइट भी 6 मीटर है. तो हाइट भी 6 मीटर है. इसकी सीजी कितनी नीचे होगी? सीजी निकाल सकते हैं कितनी नीचे होगी? क्या पूछ रहा है? टोटल प्रेशर एक्टिंग. तो बोला टोटल प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है. ये वायरस रोज आ जाता है यार, क्या चक्कर है इसके. तो टोटल प्रेशर निकालना है और यूनिट देखोगे तो फोर्स है. तो टोटल प्रेशर फोर्स, तो टोटल प्रेशर फोर्स किसके बराबर होगी? गामा एच बार ए. सो गामा एच बार ए, गामा कितना है? 0.8. गामा की वैल्यू ले ली मैंने 9.81. एच बार कितना होगा? 6/3. एरिया कितना होगा? हाफ बेस इनटू हाइट. तो हाफ बेस इनटू हाइट कैलकुलेट कर लो कितनी वैल्यू आ रही है. 282.52. सो 282.52 kN. सो 282.52 kN. ऑप्शन बी बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा, इसमें ध्यान रखना, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से वॉल्यूम मत निकाल लेना प्रेशर प्रिज्म का.
इसमें ये बहुत सारे बच्चे गलती करते रहते हैं, अभी ग्रुप पे भी चल रहा है ये कि सर इसमें प्रेशर प्रिज्म का वॉल्यूम निकाल के आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आएगा वॉल्यूम निकाल के प्रेशर प्रिज्म का? इसमें अगर मैं प्रेशर प्रिज्म का वॉल्यूम निकालूं आंसर नहीं मिलेगा आपको, वो किसके लिए वॉल्यूम ऑफ प्रेशर प्रिज्म वाला कंसेप्ट, जब मेरी विड्थ क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। हाँ आप अप्लाई कर सकते हो यहां पर भी, पर यहां पर वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पहले एलिमेंट लेना पड़ेगा, पहले एलिमेंटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि विड्थ वेरिएबल है, विड्थ ऑफ द ट्राइंगल इज वेरिएबल, और उसको इंटीग्रेट करके आपका वॉल्यूम मिलेगा टोटल। व्हेन यू विल इंटीग्रेट दैट देन यू विल गेट द टोटल वॉल्यूम। तो ध्यान रखना इस चीज का, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। डायरेक्टली वॉल्यूम वाला कंसेप्ट मत लगा देना प्रेशर प्रिज्म वाले का, उसमें हमारी विड्थ क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। यहां पर विड्थ कैसी है, वेरिएबल है, हियर द विड्थ ऑफ द प्लेट इज वेरिएबल। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, विड्थ वेरिएबल है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है? अ हाइड्रोलिक जंप अकर्स इन अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ बेस विड्थ 100 मीटर, द कॉन्जुगेट डेप्थ वर ऑब्जर्व्ड एज दिस। हाइड्रोलिक जंप है, कॉन्जुगेट डेप्थ, पावर डेसिपेटेड बाय द हाइड्रोलिक जंप, पावर पूछ रहा है, पावर डेसिपेटेड बाय द हाइड्रोलिक जंप। तो पावर डेसिपेटेड क्या होती है, तो पावर के लिए डिस्चार्ज भी चाहिए होगा, अगेन अ गुड प्रॉब्लम। दो दो कंसेप्ट लगेंगे इसके साथ, दो नहीं तीन कंसेप्ट लगेंगे, निकाल के बताओ। थ्री ऑफ द कंसेप्ट आर टू बी अप्लाइड हेयर, तीन तीन कंसेप्ट लगाने हैं आपको इसके अंदर। तो थ्री कंसेप्ट आर टू बी अप्लाइड, तीन कंसेप्ट लगेंगे इसके अंदर। तो बोल रहा है व्हाट द पावर डेसिपेटेड, तो पहली चीज पावर डेसिपेटेड विल बी इक्वल टू गामा इंटू क्यू इंटू, सो गामा इंटू क्यू इंटू एच एल, सो दिस इज द पावर डेसिपेटेड। तो पावर डेसिपेटेड इज दिस, सो गामा इंटू क्यू इंटू एच एल। तो पहली चीज क्या निकालनी है, क्यू, दूसरी चीज क्या निकालनी है, एच एल, और तीसरा कंसेप्ट यही लगा हुआ है। तो तीन तीन चीजें कैलकुलेट कर रही हैं अब आप। अब क्यू कैसे निकालू, हाउ टू कैलकुलेट दी क्यू। रेक्टेंगुलर सेक्शन में अगर हाइड्रोलिक जंप होती है, क्या रिलेशनशिप है हमारे पास, टू क्यू स्क्वायर बाय जी, दिस इज इक्वल टू वाई वन वाई टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू, फ्रॉम हेयर आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। सो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू की वैल्यू होगी कॉन्जुगेट डेप्थ दे रखे 0.8 इंटू 3.6, 0.8 प्लस 3.6 इंटू 10 बाय 2 का स्क्वायर रूट, बाय 2 का स्क्वायर रूट, सो बाय 2 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, व्हाट इज वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज कमिंग आउट। ये डिस्चार्ज की वैल्यू निकालो, तो टोटल डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है 100 मीटर, व्हाट दिस वैल्यू कमिंग आउट, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, एनर्जी लॉस 1.905, निकालते हैं एनर्जी लॉस 7.959, सो 7.959 इंटू 100, सो वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच, 795.9 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट आई हैव टू कैलकुलेट हेड लॉस, हेड लॉस किसके बराबर है, हेड लॉस इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर होती है हेड लॉस, वाई टू माइनस वाई वन, तो हेड लॉस इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन का होल क्यूब डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय व्हाट, 4y1 y2, सो डिवाइड बाय 4y1 y2, तो वाई टू कितनी है 3.6, 3.6 माइनस 0.8 का होल क्यूब डिवाइड बाय 4.8 इंटू 3.6, वैल्यू निकाली है इसकी आपने, एनर्जी लॉस बता रहा है 1.905, सो 1.905 वैल्यू पुट करो, सो पावर डेसिपेटेड 9.81, सो 9.81 डिस्चार्ज, डिस्चार्ज 795.9 इंटू हेड लॉस 1.905 हेड लॉस। कैलकुलेट द पावर डेसिपेटेड, पावर डेसिपेशन कितना निकल के आ रहा है,
कैलकुलेट कर लीजिए कितना आया। फोर्टीन पॉइंट एट सेवन। सो 14.87 मेगावाट। सो 14.87 मतलब सी इज द आंसर। हाँ, दोनों पे फर्क पड़ता है, यूनिट वेट पे भी फर्क पड़ता है, फ्रिक्शन पे भी फर्क पड़ता है, फ्रिक्शन पे फर्क पड़ता है, इसलिए NC, NQ, N-गामा तीनों पे फर्क पड़ता है, सब चेंज हो जाता है। वाटर टेबल बढ़ाओगे, ग्राउंड लेवल पे लाओगे, यूनिट वेट भी चेंज हो जाएगी, फाई भी चेंज हो जाएगा, कोहेजन भी चेंज हो जाएगी, NC भी चेंज होगा, NQ भी चेंज होगा, N-गामा भी चेंज होगा। इज दिस फॉर मैकेनिकल टू? नहीं, मैकेनिकल में नहीं है। मैकेनिकल की जो हाइड्रोलिक जंप होती है वो ऐसे ही नहीं बनती है। मैकेनिकल की जो हाइड्रोलिक जंप होती है उसमें सिर्फ लड़के लड़के होते हैं। बता दो तुम्हें, मैकेनिकल में सिर्फ लड़के लड़के होते हैं। तो सेम वैसे ही है, जो मैकेनिकल की जो हाइड्रोलिक जंप होती है उसमें सिर्फ लड़के बैठे होते हैं। ये सिविल की हाइड्रोलिक जंप है। चलो, देखो अगला सवाल क्या पूछा। स्लुइस गेट डिस्चार्ज वाटर इनटू हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल विद द वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड एंड द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 0.5 मीटर। डेप्थ ऑफ द फ्लो आफ्टर द जंप, जंप के बाद पूछ रहा है। पीछे एक क्वेश्चन और था, ये हो तो गया पांचवा। फिफ्थ क्वेश्चन ही तो था पीछे, सिक्स्थ कर रहे अब। चलो देखो क्या पूछा। सिक्स्थ क्वेश्चन है। स्लुइस गेट डिस्चार्ज वाटर इनटू द हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी दे दी, डेप्थ ऑफ फ्लो दे दिया, डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर द जंप, डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर द जंप। अच्छा, मतलब सवाल किसका है? सवाल है सीक्वेंट डेप्थ रेशो का। द प्रॉब्लम इज ऑफ सीक्वेंट डेप्थ रेशो। ओके, सीक्वेंट डेप्थ रेशो का सवाल है। इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा? पहले फ्राउड्स नंबर वन निकालना पड़ेगा। फ्राउड्स नंबर वन निकालना पड़ेगा वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जी वाई वन। सो नाउ 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9.81 इंटू 0.5। ये हमारा फ्राउड्स नंबर वन है। दिस इज फ्राउड्स नंबर वन। देखो कितना आ रहा है फ्राउड्स नंबर वन। फिर सीक्वेंट डेप्थ रेशियो निकाल लेंगे। y2/y1 इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर रूट ऑफ 1+8 f1 का होल स्क्वायर -1। y2 आ जाएगी यहाँ से। फ्राउड्स नंबर वन 4.02। तो y2 के वैल्यू आ गई हमारी y1 0.5 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1+8 इंटू 4.02 का होल स्क्वायर -1। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ y2। y2 निकाल लो कितना आ रहा है। कैलकुलेट। सो डेप्थ ऑफ द फ्लो आफ्टर द जंप, जंप के बाद जो डेप्थ है y2 वो कैलकुलेट कर लिया हमने। क्वेश्चन को देखकर कैसे पता चला है कि कौन से सब्जेक्ट का है? ये पता ही नहीं करना आपको, आपको तो आंसर निकालना है। वो तो ये पूछ रहा है डेप्थ ऑफ फ्लो बताओ, वो ये पूछ नहीं रहा कि कौन से सब्जेक्ट का सवाल है।
तो आपसे ये पूछेगा ही नहीं वो कौन से सब्जेक्ट का सवाल है, आपसे तो वो पूछ रहा है कि डेप्थ ऑफ फ्लो बता दो, तो क्यों पता कर रहे हैं आपको कौन से सब्जेक्ट का सवाल है, जिस मर्जी सब्जेक्ट का हो। टू पॉइंट सिक्स चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, सेवेंथ प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या पूछा हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज इन एन आइसबर्ग 25% ऑफ द वॉल्यूम प्रोजेक्ट्स अबव द सी सरफेस। आइसबर्ग है, इफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द सी वाटर इज 10.8 द स्पेसिफिक वेट ऑफ द आइसबर्ग इन किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। किसका प्रॉब्लम आ गया? फ्लोटेशन, फ्लोटेशन और बॉयंसी दोनों के कंसेप्ट आ गए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लग जाएगी, तो एक फ्लोटेशन का कंसेप्ट लगेगा और एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करोगे हमारे लिक्विड के अंदर, उसके ऊपर बॉयंसी फोर्स लगेगी और वो किसके बराबर होगी? वो होगी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ विच विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। और फ्लोटेशन के लिए जो बॉयंसी फोर्स है वो किसके बराबर होनी चाहिए? तो ये हमारा आइसबर्ग है, सो ये हमारा आइसबर्ग है, दिस इज द आइसबर्ग। ऊपर कितना है? 25% है और नीचे कितना है? 75% है। तो ये इसका सेल्फ वेट है और ये ऊपर बॉयंसी फोर्स लग रही है। सो फॉर फ्लोटेशन दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो फ्लोटेशन के लिए बराबर होना चाहिए, वेट मस्ट बी इक्वल टू बॉयंसी फोर्स, वेट बॉयंसी फोर्स के बराबर होना चाहिए, तो वेट शुड बी इक्वल टू बॉयंसी फोर्स। क्लियर है? वेट ऑफ द आइसबर्ग, वेट ऑफ द आइसबर्ग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग, सो वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द आइसबर्ग इनटू यूनिट वेट ऑफ द वाटर। ठीक है, बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू यूनिट वेट ऑफ द वाटर, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज गिवन टू यू। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आइसबर्ग की पूछी हुई है इनटू गामा डब्ल्यू, दिस वैल्यू इज गिवन टू बी हाउ मच, ये वैल्यू कितनी दे रखी है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज 0.75 वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग, यूनिट वेट ऑफ द सी वाटर, सो यूनिट वेट ऑफ द सी वाटर, यूनिट वेट ऑफ द सी वाटर इज इक्वल टू वॉट? 10.81, सो 10.8 ये कैंसल आउट हो गया, 10 कैंसल आउट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, सो 10.8 इंटू 0.75 डिवाइड बाय 9.81, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट? 8.1 आ रही है वैल्यू, कैलकुलेट करके देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट? स्पेसिफिक वेट आज पूछा है, हाँ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लो, मल्टीप्लाई कर देना बाद में। तो अगर स्पेसिफिक वेट पूछा है इसने, तो स्पेसिफिक वेट हो गया इनटू गामा डब्ल्यू, तो 10.8 इनटू 0.75 ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये स्पेसिफिक वेट हो गया, तो स्पेसिफिक वेट कितनी बता रहे हो? 8.1, सो 8.1, सो 8.1 स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी हो तो डिवाइड कर देना 9.81 से, तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी, स्पेसिफिक वेट तो मल्टीप्लाई कर दिया 9.81 से, सो 8.1 यही आ रहा सबका, 8.2। वो आपने 10 ले लिया होगा, गामा डब्ल्यू की वैल्यू अगर 10 ले लोगे तो थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, इफ़ यू कंसिडर द वैल्यू ऑफ गामा डब्ल्यू टू बी 10 स्लाइट चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हो कि 9.81 लेनी है 10 लेनी है। चलो देखो 10 में 8.1 आ रहा है, ठीक है कोई इशू नहीं, वायरस नहीं हटना है, चलिए देखिए ये वाला सवाल करके दिए।
जब तक दिया ना है 9.81 ले सकते हैं, पर अगर ऑप्शन दूर दूर है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, तो आप 10 से आंसर निकाल के दे सकते हो। कैलकुलेशन आसान करने के लिए 9.81 से कैलकुलेशन आपकी लेंदी हो जाएगी। तो जब तक गिवन नहीं है 9.81 लेंगे, पर ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑप्शंस में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लेता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं 10 लेके चल दूंगा। आई विल कंसिडर द वैल्यू टू बी 10, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। देखो क्या पूछा है सवाल, क्या बोल रहा है। ऑयल ऑफ डेंसिटी 1300 केजी पर मीटर क्यूब एक्सलरेट अपवर्ड अलोंग वी स्ट्रीम लाइन, एक्सलरेट अपवर्ड अलोंग वी स्ट्रीम लाइन एट अ रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सलरेशन दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द स्ट्रीम लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। स्ट्रीम लाइन इंक्लाइंड है कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। द प्रेशर ग्रेडियंट अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन, अगेन अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम। अगर आपने कोर्स लगाया होगा जो मैंने डिस्कस किया है, सवाल किसके ऊपर बेस्ड है, जब हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट हुआ था, फ्लूइड डायनेमिक्स में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के बताई थी। आई मेंशन द इक्वेशन ऑफ मोशन की बर्नौलीज इक्वेशन किसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को इंटीग्रेट करने के बाद निकलती है। बर्नौलीज इक्वेशन किसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखने के बाद या इंटीग्रेट करने के बाद निकलती है। बर्नौलीज इक्वेशन इज डिराइव्ड बाय इंटीग्रेटिंग विच इक्वेशन ऑफ मोशन, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सवाल बेस है किसके ऊपर, प्रॉब्लम इज बेस अपॉन यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। लिखो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, यूलर्स इक्वेशन लिखो। सो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, सो यूजिंग यूलर्स इक्वेशन, सो यूजिंग यूलर्स इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन यूज कीजिए, सिंप्लीफाई करके बताइए। यूलर्स इक्वेशन क्या है हमारी, डी पी बाय रो वी डी वी प्लस तीसरा कॉम्पोनेंट कौन सा आता है, डेटम वाला, डी डी जेड, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी यूलर्स इक्वेशन आ गई है, यूलर्स इक्वेशन आ गई है। पूछा गया आपसे प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू पूछी हुई है, प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू पूछी हुई है। सो डी पी इज इक्वल टू वॉट, डी पी इज इक्वल टू माइनस रो वी डी वी प्लस डी डी जेड। आपसे पूछा है प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट यानी डी पी बाय डी एस। सो डी पी बाय डी एस माइनस रो वी डी वी बाय डी एस प्लस जी डी जेड बाय डी एस, ये हमारी प्रेशर ग्रेडियंट है। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट विच इज टू बी फाउंड। तो प्रेशर ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। दिस इज अवर डी एस, ये हमारा डी एस है और ये हमारा डी जेड है। तो डी जेड बाई डी एस तो किसके बराबर आ गया, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू डी जेड बाय डी एस, यानी वैल्यू कितनी हो गई इसकी, हाफ। तो ये वैल्यू तो डायरेक्टली हाफ निकल के आ गई, बाकी वैल्यू पुट करो। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है माइनस 1300 वी डी वी एस बाय डी एस। सो वी डी वी बाय डी एस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, डायरेक्टली दिया हुआ है आपको, एक्सेलरेशन 20 जी 9.81 एंड दिस इज 1/2। कैलकुलेट करो प्रेशर ग्रेडियंट, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये पूछा था प्रेशर ग्रेडियंट, दिस वॉज बीइंग आस्क्ड। कैलकुलेट व्हाट इज द प्रेशर ग्रेडियंट कमिंग आउट, जी 10 है, जी 10 है तो जी 10 कर दो।
जी 10 है तो 10 कर दो। 323 ये क्या आ रहा है? 323 ये आप निकाल रहे हो केजीएम में, मेरे को आंसर की किस में चाहिए? किलो पास्कल पर मीटर में चाहिए आंसर। -32.5, सो -32.5 किलो पास्कल पर मीटर, तो यही आंसर। सो आंसर इज सी। फ्लूइड एक्सेलरेटिंग ऑफ अ स्लोप वाले इक्वेशन से भी आंसर आ जा रहा है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो उससे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या अगला सवाल? वाटर डायनेमिक विस्कोसिटी इज गिवन 1 सेंटीपॉइस फ्लोज थ्रू अ 10 mm डायमीटर पाइप एंड अ डाउनवर्ड स्लोप, एंड अ डाउनवर्ड स्लोप नहीं होगा, एट अ डाउनवर्ड स्लोप, एट अ डाउनवर्ड स्लोप, सो दैट रेनॉल्ड्स नंबर इज 2000, वॉट एंगल वुड रिजल्ट इन जीरो प्रेशर ड्रॉप? प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अगेन ये भी हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया हुआ है, दिस इज ऑल्सो बींग डिस्कस बाय अस। कहाँ किया था हमने? पाइप फ्लो के अंदर, लेमिनार फ्लो के अंदर। और लेमिनार फ्लो में अगर आप कोर्स देखोगे, मैंने स्पेसिफिकली नोट करके लिखवा रखा है कि जो आपने प्रेशर डिफरेंस निकाला है, प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है फॉर लेमिनार फ्लो कंडीशन? रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 है, तो लेमिनार फ्लो कंडीशन है। P1 - P2 किसके बराबर होता है? प्रेशर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉट? फॉर लेमिनार फ्लो कंडीशन प्रेशर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉट? सो डेल्टा पी इज इक्वल टू 8 μVL बाय वॉट? आर स्क्वायर। यही तो हमारी प्रेशर ड्रॉप। और इसके बाद फिर मैंने एक नोट करके भी लिखवाया था कि अगर हमारी पाइप इंक्लाइंड है, इसके अंदर एक कॉम्पोनेंट और जुड़ जाएगा। कौन सा कॉम्पोनेंट और जुड़ जाएगा? अगर हमारी पाइप इंक्लाइंड है, इसके अंदर एक कॉम्पोनेंट और जोड़ देना। कौन सा कॉम्पोनेंट जोड़ देना? यदि पाइप इज इंक्लाइंड एड वन मोर कॉम्पोनेंट, विच कॉम्पोनेंट? गामा इंटू dz, यानी कॉम्पोनेंट और जोड़ देना। सो गामा इंटू dz, तो वन मोर कॉम्पोनेंट विल बी एडेड, तो एक और कॉम्पोनेंट जोड़ देंगे हम इसके अंदर। सो गामा इंटू δz क्या हो गया इसको? सो गामा इंटू δz, एक कॉम्पोनेंट और जुड़ जाएगा, सो वन मोर कॉम्पोनेंट विल बी एडेड। तो बस यही पूछा है इसने। अब सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है व्हाट एंगल वुड रिजल्ट इन जीरो प्रेशर ड्रॉप, यानी प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? प्रेशर ड्रॉप इज गिवन टू बी हाउ मच? प्रेशर ड्रॉप इज गिवन टू बी जीरो। ये प्रेशर ड्रॉप जीरो दे रखा है। आपसे क्या पूछ लिया? थीटा पूछ लिया इसने। हाँ, आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो डायमीटर के टर्म में, तो डायमीटर के टर्म में डालोगे तो मल्टीप्लाई हो गया, 4 ऊपर चला जाएगा, 32 बन जाएगा, इट विल बिकम 32। तो आप डायमीटर के टर्म में भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑल्सो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो अब मुझे निकालना है थीटा। अच्छा, डेल्टा जेड, डेल्टा जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड, डेल्टा जेड और पाइप की लेंथ, लेंथ तो पता ही नहीं अभी। सो डेल्टा जेड, ये हमारी पाइप है, ये हमारा डेल्टा जेड है, डेल्टा जेड, और ये हमारे पाइप की लेंथ है, ये हमारा थीटा है, दिस इज हाउ द फ्लो इज टेकिंग प्लेस। ये हमारा फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या बन गया फिर से वापस? साइन थीटा बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाय एल, तो वही है डेल्टा जेड बाय एल, साइन थीटा बन गई हमारी। तो डेल्टा जेड बाय एल विच इज इक्वल टू साइन थीटा विच इज इक्वल टू 8 μV r² गामा। अब सिंप्लीफाई करके निकाल लो, साइन थीटा की वैल्यू आ गई तो थीटा निकाल लोगे आप, यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। सो हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, वैल्यू पुट करना 8 सेंटीपॉइस, सेंटीपॉइस कन्वर्टेड इनटू पॉइस, पॉइस कन्वर्टेड इनटू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, देन वेलोसिटी, वेलोसिटी बता ही नहीं रखी इसने, वेलोसिटी बता नहीं रखी, ठीक है अच्छी बात है, निकालेंगे वेलोसिटी फिर आगे। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 10/2 mm कन्वर्टेड इनटू मीटर, सो 10/2 mm कन्वर्टेड इनटू मीटर, mm कन्वर्टेड इनटू मीटर क्या है? आर का होल स्क्वायर इनटू 9
ऊपर है हमारी न्यूटन के अंदर 9.81 × 10³। क्या बच गया? बस वेलोसिटी बची हुई है, ओनली वेलोसिटी इज लेफ्ट। अब वेलोसिटी के लिए उसने क्या दे दिया आपको? रेनॉल्ड्स नंबर दे दिया, तो रेनॉल्ड्स नंबर की मदद से क्या निकाल लो? रेनॉल्ड्स नंबर की मदद से वेलोसिटी निकाल लो। सो वील से रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू व्हाट? रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी डी बाय म्यू। यहाँ से मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा। सो 2000 इज इक्वल टू, सो 2000 इज इक्वल टू व्हाट? सो 2000 इज इक्वल टू, सो 2000 इज इक्वल टू 10³ इंटू वी इंटू 10 डिवाइड बाय 10³ इंटू 10⁻³। व्हाट इज द वेलोसिटी कमिंग आउट? अगर मैं इसको सॉल्व करूं, वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है? सॉल्व दिस इक्वेशन, देखो वेलोसिटी कितनी आ रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कमिंग? ये कैंसल आउट हुआ, बाकी अब सिंप्लीफाई करो। ये उधर गया, ये भी कैंसल आउट हुआ। वेलोसिटी कितनी आ गई? 0.2। वेलोसिटी कम्स आउट टू भी 0.2। 20 क्यों आ रही है? 0.2 आ रही है ना। सॉल्व करो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड है। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। नाउ द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा निकाल लो, अब कितना आ रहा है? 0.347, 0.372। सो 0.374 डिग्री। सो 0.374, सचिन आप बोल रहे हो 0.7, सचिन बोल रहा है 0.7। देखो भाई कौन सा आंसर सही है? 0.7 यानी डी ऑप्शन। दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सूरज ने बोला है 0.374, सचिन ने बोला है 0.7। बाकी तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, बाकी तो सब बैठे हुए ही। आंसर इज बी 0.373। तो आंसर आ गया हमारा, क्या ऑप्शन है? बी, बी इज द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो अगला सवाल क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द ट्रांजिशनल डेप्थ इन द ओपन चैनल। ट्रांजिशनल डेप्थ इन द ओपन चैनल, तो ट्रांजिशनल डेप्थ पूछना है। क्या होती है ट्रांजिशनल डेप्थ? वो डेप्थ जिसमें क्या हो जाए, फ्लो का ट्रांजिशन हो जाए। तो ट्रांजिशनल डेप्थ इज टू बी फाउंड। तो ट्रांजिशनल डेप्थ की पूछ रहा है। तो ट्रांजिशनल डेप्थ वो डेप्थ होती है जहां पे y नॉट की वैल्यू y क्रिटिकल के बराबर हो जाए। नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल टू व्हाट? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। तो अगर नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो हमारे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर हो जाए, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल डेप्थ। तो ये हमारा ट्रांजिशनल डेप्थ होता है। तो सवाल क्या पूछ रहा है? इट इज द डेप्थ एट विच नॉर्मल डेप्थ इज नॉर्मल डिस्चार्ज एंड क्रिटिकल डिस्चार्ज आर इक्वल। नॉर्मल डिस्चार्ज क्रिटिकल डिस्चार्ज के इक्वल नहीं होता। तो बोला नॉर्मल डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्रिटिकल डिस्चार्ज। तो अगर नॉर्मल डेप्थ बराबर है तो नॉर्मल डिस्चार्ज भी सही बात है। अगर डेप्थ बराबर है तो भैया डिस्चार्ज भी क्या मिल जाएगा? सो इट इज द डेप्थ एट विच नॉर्मल डिस्चार्ज एंड क्रिटिकल डिस्चार्ज आर इक्वल। दोनों बराबर हो जाएंगे, डेप्थ बराबर हो गया तो डिस्चार्ज भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट, इट इज द डेप्थ एट विच नॉर्मल डेप्थ इज इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ। वो डेप्थ जहाँ पे नॉर्मल डेप्थ किसके बराबर हो जाएगी? क्रिटिकल डेप्थ के बराबर। ये भी सही है। नेक्स्ट, डेप्थ फॉर विच स्लोप ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इज हॉरिजॉन्टल।
अच्छा वो डेप्थ जहाँ पे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाए, अगर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की स्लोप हॉरिजॉन्टल हो रही है इसका मतलब डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाना चाहिए, डीवाई बाई डी एक्स एस नॉट के बराबर हो जानी चाहिए। अब आपको चेक करना पड़ेगा अगर वाई नॉट की वैल्यू वाई सी के बराबर है क्या डीवाई बाई डी एक्स एस नॉट होता है, चेक कर लो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एस नॉट इंटू वन माइनस वाई नॉट बाय वाई की पावर थ्री अपॉन वन माइनस वाई क्रिटिकल बाय वाई की पावर थ्री, चेक कर लो, चेक व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट। अगर वाई नॉट वाई सी के बराबर है, अगर वाई नॉट वाई सी के बराबर है डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया एस नॉट के बराबर आ गया, तो सही बात है। अगर डी वाई बाई डी एक्स एस नॉट के बराबर है हमारी स्लोप क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लास्ट डी वाई बाई डी एक्स माइनस एस नॉट, नहीं माइनस नहीं होता ये, इट इज़ नॉट माइनस, इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तीनों सही है, ऑल थ्री आर करेक्ट। तो आखिरी वाले ऑप्शन में बस माइनस साइन लगा दिया उसने, इट इज नॉट माइनस। क्लियर है? सो ए इज ऑल्सो करेक्ट, बी इज ऑल्सो करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट, तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है, ऑल थ्री आर करेक्ट। अरे एम एस क्यू टाइप है ये, वाह ये देखो मिक्स वीडियो, सही वीडियो बना रहे हो तुम। अरे भाई गेट है, एम एस क्यू आता है, तीनों ऑप्शन मार्क करने पड़ेंगे। वो बोल रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट बता दो, थर्ड वाला एक बार, थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि वो डेप्थ जहां पे स्लोप क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए। वाटर सरफेस प्रोफाइल की स्लोप हॉरिजॉन्टल तब होती है जब डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाए, एस नॉट हो जाए। क्यों डीवाई बाई डी एक्स एस नॉट हो जाए, ये लो डीवाई बाई डी एक्स एस नॉट हो जाए, ये चैनल की स्लोप है, दिस इज द स्लोप ऑफ चैनल। वाई किसके रिस्पेक्ट में है, वाई किसके रिस्पेक्ट में है, वाई हमारे चैनल बेड के रिस्पेक्ट में, तो वाई हमारे चैनल बेड के रिस्पेक्ट में, सो दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ये हमारी एक्स है। तो अगर आपके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, एस नॉट आ जाती है, ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब चैनल बेड हॉरिजॉन्टल हो जाए, व्हेन द चैनल बेड बिकम्स हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जब y इन्फिनिटी होगा तब भी वाटर सरफेस प्रोफाइल हॉरिजॉन्टल हो जाती है, व्हेन y इज इन्फिनिटी देन ऑल्सो वाटर सरफेस प्रोफाइल बिकम्स हॉरिजॉन्टल, तब भी dy बाई डी एक्स की वैल्यू एस नॉट को अप्रोच कर जाती है। अगर y की वैल्यू इन्फिनिटी है तब भी हमारी जो वाटर सरफेस प्रोफाइल है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है, देन ऑल्सो इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। चलो देखो अभी तो अगला सवाल क्या है, चेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है? अ 2 मीटर लॉन्ग कोनिकल डिफ्यूजर 20 सेंटीमीटर डायमीटर एट द अपस्ट्रीम हैज 80 सेंटीमीटर डायमीटर एट डाउनस्ट्रीम एंड। एट अ सर्टेन इंस्टेंट द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर थ्रू द डिफ्यूजर इज ऑब्जर्व टू बी 180 लीटर्स पर सेकेंड एंड इज फाउंड टू इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 50 लीटर्स पर सेकेंड। अच्छा डिस्चार्ज बढ़ने की रेट है 50 लीटर्स पर सेकेंड। द लोकल एक्सलरेशन एट अ सेक्शन 2 मीटर फ्रॉम द अपस्ट्रीम। तो कोनिकल डिफ्यूजर है, तो कोनिकल डिफ्यूजर है, सॉरी सो कोनिकल डिफ्यूजर है, दिस इज अवर कोनिकल डिफ्यूजर, कोनिकल डिफ्यूजर एक एंड पे डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, दूसरे एंड पे डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर, एक सेक्शन कंसीडर किया कितनी दूरी पे 2 मीटर की दूरी पे, और इसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर की है, हैं लंबाई भी 2 मीटर की है, 2 मीटर लॉन्ग कोनिकल डिफ्यूजर और लेंथ भी 2 मीटर की है,
तो फिर तो क्या ही निकालोगे, लंबाई 20 मीटर की है इसकी, दिस इज नॉट 2 मीटर, दिस इज 20 मीटर, सो लेंथ है 20 मीटर की, तभी 2 मीटर पे पूछ रहा है ये। हमने 2 मीटर पे एक सेक्शन कंसीडर किया, बोल रहा है इस सेक्शन के ऊपर बताओ क्या है, एक सेक्शन के ऊपर लोकल एक्सेलरेशन पूछ रहा है ये आपसे। तो हम इस सेक्शन का डायमीटर निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन का डायमीटर कैसे निकलेगा, यूनिटरी मेथड से, सो यू कैन फाइंड द डाया ऑफ दिस सेक्शन बाय यूनिटरी मेथड। अब कितनी होगी डायमीटर इसकी, डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर प्लस चेंज कितना आया 80 माइनस 20, कितनी दूरी पे आया 20 मीटर की दूरी पे, हमें 2 मीटर की दूरी पे निकालना है। कैलकुलेट करो कितना आ रही है, ये है सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, ठीक है, तो 10 और ये हो जाएगा 60, तो 60 बाय 10, 6, चेक करना 26 सेंटीमीटर आ रहा है, एक बार चेक करके बताना, इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, ट्वेंटी सिक्स आ रही है डायमीटर, एक्सिस हमें 26 सेंटीमीटर आ रही है, 26 आ रही है। तो फिर एरिया कितना हुआ इस सेक्शन पे, व्हाट द एरिया अक्रॉस दिस सेक्शन, एरिया अक्रॉस दिस सेक्शन इज हाउ मच, तो अगर मुझे एरिया निकालना है सेक्शन के अक्रॉस, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई डी स्क्वायर बाय 4, सो पाई डी स्क्वायर बाय 4, व्हाट इज द वेलोसिटी अक्रॉस दिस सेक्शन, डिस्चार्ज बाय एरिया, सो डिस्चार्ज बाय एरिया, सो 180 लीटर, लीटर को बदला मीटर क्यूब में, डिवाइड बाय पाई, सब गया, बहुत बढ़िया। सो क्या पूछ रहा था, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज बाय एरिया, 180 लीटर, लीटर को बदला मीटर क्यूब में, पाई, डायमीटर कितनी थी 26 सेंटीमीटर को बदला मीटर में, बाय स्क्वायर बाय 4। अब उस सेक्शन पे वेलोसिटी निकाल लो, व्हाट इज द वेलोसिटी कमिंग आउट दैट सेक्शन, जो हमारा सेक्शन था 2 मीटर की दूरी पे, सो 2 मीटर की दूरी पे जो सेक्शन था, 2 मीटर की दूरी पे जो सेक्शन था, यहां पे हमने वेलोसिटी निकाल ली, हियर वेलोसिटी इज बीइंग कंप्यूटेड, कितनी वेलोसिटी आ रही है, थ्री पॉइंट थ्री नाइन। अब सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, सवाल पूछ रहा है लोकल एक्सेलरेशन, लोकल एक्सेलरेशन, नो व्हाट इज लोकल एक्सेलरेशन, सो लोकल एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन जो टाइम के रिस्पेक्ट में निकले, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, डीवी बाय डीटी, सो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज इक्वल टू डी ऑफ क्यू बाय ए बाय डीटी, सो क्या बन गया ये, सो 1 बाय ए डी क्यू बाय डी टी, ये आ गई वैल्यू, तो ये हमारी लोकल एक्सेलरेशन है, दिस इज अवर लोकल एक्सेलरेशन। सो कितनी है लोकल एक्सेलरेशन, ये एरिया आपने निकाला था 1 अपॉन पाई 26 होल स्क्वायर बाय 4, और डी क्यू बाय डी टी कितना है 50, मतलब इसका तो कोई रोल ही नहीं आया, जो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करी उसका तो कोई रोल ही नहीं आया, डायरेक्टली निकल के आ गया है, तो 2.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.65, तो जो वेलोसिटी कैलकुलेट करी वो तो कुछ काम नहीं आई, मतलब पहले ही कैलकुलेट कर लिया, सवाल देखना चाहिए था। सबका ही आ रहा है 2.65, एवरीबडी गेटिंग 2.65, या कोई और रिजल्ट भी आ रही है, पॉइंट नाइन फोर वन तो है भी नहीं, सो 0.941।
सो 0.941, सो यू आर गेटिंग 0.941. दो मीटर अपस्ट्रीम से पूछा हुआ है तो यही तो है अपस्ट्रीम बेटा, 2 मीटर अपस्ट्रीम से पूछा हुआ है तो ये अपस्ट्रीम ही तो है. अपस्ट्रीम 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 2 मीटर अपस्ट्रीम से ही तो पूछा हुआ है मैंने. चेंज करनी पड़ेगी क्या वैल्यू? हमने डायमीटर की इक्वेशन कैसे लिखी थी? यही तो लिखी थी डायमीटर की इक्वेशन. डायमीटर की इक्वेशन थी 20 सेंटीमीटर यहां पर था, फिर जो चेंज निकल के आया वो 80 माइनस 20 आया 20 मीटर के ऊपर, तो 2 मीटर अपस्ट्रीम पे कितना होगा? सही तो लिखिए इक्वेशन. इक्वेशन इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इक्वेशन के अंदर. तो अपस्ट्रीम से तो निकाला है हमने भी, वी हैव ऑल्सो फाउंड फ्रॉम अपस्ट्रीम ओनली. चले, डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना सर जी? हाँ डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है, वही तो लिखा है डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है. ये रहा 50 लीटर पर सेकंड की रेट से, पर टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है. अरे डिस्चार्ज डिस्टेंस से वेरी नहीं कर रहा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है. यही तो है डिस्चार्ज वेरी कर रहा है. जो तो डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है, डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है 50 लीटर पर सेकंड, लिख तो दिया डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है. वो डिस्टेंस के साथ थोड़ी ना इंक्रीज हो रहा है, वो तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है. इट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यूज किया तो है आपने. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. कहां तक कर लिया था? इतना आगे कहां चला गया? हाँ ये रहा 12th. देखो अगला सवाल क्या. फॉर अ फ्लो इन रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ विड्थ 5 मीटर डेप्थ ऑफ फ्लो 2.5 मीटर, डार्सी वेबेक फ्रिक्शन फैक्टर एफ इज एस्टिमेटेड 0.02, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैनिंग्स कांस्टेंट? अगेन मतलब फिर से वो सवाल जो पूछा जाना चाहिए, दैट शुड बी आस्ड. क्यों? क्योंकि रिलेशन तो रटी हुई होगी आपने, ये उसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ दैट. तो फ्रिक्शन फैक्टर और मैनिंग्स कॉन्स्टेंट के बीच की रिलेशनशिप क्या होती है? सो वी नो दैट फ्रिक्शन फैक्टर, सो स्क्वायर रूट ऑफ 8g/f इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 8g/f इज इक्वल टू व्हाट? 1/n r^(1/6). दिस इज द रिलेशनशिप. तो ये रिलेशनशिप है, आपसे n पूछ रहा है. अब n के लिए मुझे क्या चाहिए? r चाहिए. रेक्टेंगुलर चैनल है, r कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है. तो स्क्वायर रूट ऑफ g दे रखा है, दे रखा है. So 8 × 9.81 / f 0.02 1/n r इज इक्वल टू वेटेड एरिया, वेटेड एरिया 5 × 2.5, वेटेड पेरीमीटर b + 2y r^(1/6). सॉल्व करके निकाल लो n, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ n. 1 आ रहा है. 1 कैसे आ रहा है बेटा? चेजीज कांस्टेंट नहीं है. कुशाग्र मिश्रा, मैनिंग्स, ही इज आस्किंग अबाउट मैनिंग्स कांस्टेंट. सी क्रॉस वेरीफाई करो क्या आ रहा है. समबडी क्रॉस वेरीफाई. 0.0165 0.0165. सो n की वैल्यू आ गई सी. ठीक है, बढ़िया. सो 0.0165. सुमित्रो मंडल, ठीक है, सबका यही आ रहा है. एवरीबडी गेटिंग द सेम रिजल्ट.
आ रहा किसी का? नहीं। चलो देखो क्या सवाल है। अगेन अ वेरी गुड प्रॉब्लम, फिर से बहुत ही अच्छा सवाल है। अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ 4 मीटर डायमीटर हैज अ हाइट ऑफ 3 मीटर हैज हाइट 3 मीटर हैज अ हेमिस्फेरिकल डोम अबव इट। अच्छा ठीक है। द टैंक कंटेन्स ऑयल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8 मीटर। द डोम इज जॉइंट टू सिलेंड्रिकल पोर्शन बाय 8 इक्वली स्पेस्ड बोल्ट। ठीक है। इफ द प्रेशर गेज एट पॉइंट ए 1 मीटर अबव द बेस ऑफ द टैंक रीड्स 50 kPa देन द फोर्स ऑन ईच बोल्ट। हर बोल्ट के ऊपर फोर्स पूछा हुआ है आपसे, तो पहले तो क्या जानकारी दे रखी है, व्हाट द इंफॉर्मेशन गिवन। सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर 4 मीटर है और हाइट 3 मीटर है, इसकी डोम कैसी है? तो इसका पहले एक बार ज्योमेट्री बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। आई शो यू द ज्योमेट्री। ये हमारा सिलेंड्रिकल टैंक है, दिस इज द सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट क्या दे रखी है? 3 मीटर। 1 मीटर ऊपर गेज लगा हुआ है, ये गेज लगा हुआ है 1 मीटर ऊपर, तो बेस से 1 मीटर ऊपर गेज लगी हुई है, था ना, बेस से 1 मीटर ऊपर। इसके ऊपर क्या है? डोम सिलेंड्रिकल है, इसकी डोम सिलेंड्रिकल है, डोम इज सिलेंड्रिकल। अब बोल रहा है प्रेशर गेज में जो प्रेशर आया वो कितना आया? 50 kPa का आया है, तो ये प्रेशर बता रहा है। तो प्रेशर कितना आया? प्रेशर आया 50 kPa। अंदर प्रेजेंट क्या है इसके? अंदर प्रेजेंट क्या है इसमें? ऑयल है, ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8। तो अगर ऑयल है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 और इतना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, तो आप हाइट निकाल सकते हो कितनी हाइट के इक्वलेंट है प्रेशर? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। सो हाइट ऑफ द ऑयल, हाइट ऑफ द ऑयल 50 kPa, क्या मतलब हुआ? 50 × 10⁻³ अपॉन वॉट? 0.8। सो रो जी एच, एच चाहिए मुझे यहाँ पे, तो एच नॉट की वैल्यू निकाल ली, तो मल्टीप्लाई बाय वॉट? 9.81 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। तो ये हाइट निकाल लो कितनी हाइट आ रही है। नहीं यार तुम कैंसिल हो जाते हो, नीचे आओ। वॉट द वैल्यू ऑफ एच नॉट कमिंग आउट? तो सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर लगी हुई है, कैलकुलेट करो। तो जो गेज है इसके ऊपर ऑयल की हाइट कितनी है वो निकाल लेते हैं हम। ये कितना है? 2 मीटर है, दिस इज 2 मीटर। कितनी आ रही है? 6.37। सो 6.37 मीटर। तो अगर मैं ये आपको डायग्राम में दिखाऊं, इफ आई शो यू इन दिस डायग्राम, इसका मतलब ये ऑयल है, तो यहां से 6.37 मीटर नीचे ऊपर, तो 2 मीटर तो ये है, 2 मीटर ये है, और कितना ऊपर चला गया ये? 4.37 मीटर। तो टोटल कितना हो गया ऑयल? तो गेज के ऊपर टोटल ऑयल की हाइट कितनी आई? 6.37, 2 मीटर तो ये है, और ये कितना आ गया? 4.37 मीटर। तो हमारा जो हेमिस्फीयर है, हमारा जो हेमिस्फीयर है इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है या कितना फोर्स लग रहा है? इसके ऊपर जो प्रेशर और फोर्स लग रहा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ द ऑयल अबव द हेमिस्फीयर। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ द ऑयल अबव द हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के ऊपर जो ऑयल है उसका वेट निकाल लो, खत्म कहानी। सो वेट ऑफ द ऑयल अबव द हेमिस्फीयर, तो ये फोर्स निकल के आ गया। तो फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? वेट। वेट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0.8। 0.8 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो यूनिट वेट, यूनिट वेट ऑफ वाटर, सो 9.81। तो ये तो आ गई हमारी यूनिट वेट। अब मल्टीप्लाई करना है मुझे किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालूं उसका? वॉल्यूम निकाल लो पूरे सिलेंडर का। तो पूरे सिलेंडर का पाई, पाई डी, डायमीटर कितना है? 4। पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 4.37 माइनस दी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस दी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू व्हाट? हाफ दी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हाफ दी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हाफ 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 4/2 का होल क्यूब। ये है टोटल फोर्स, दिस इज द टोटल फोर्स। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। तो ये टोटल फोर्स निकल के आ गए, कैलकुलेट करके बताओ क्या रिजल्ट आ रही है। तो हमारे हेमिस्फीयर के ऊपर टोटल फोर्स निकाल लिया हमने, दिस इज द टोटल फोर्स ऑन द हेमिस्फीयर।
6.37, क्या बता रहे हैं, 6 हाइट बता रहे हैं 6.37. सो फोर्स ऑन दी हेमिस्फीयर कैन बी कंप्यूटेड, निकालो फोर्स ऑन दी हेमिस्फीयर. टू नाइनटी नाइन पॉइंट फोर. और किसी का आ रहा है? सिद्धार्थ बोल रहा है 299.4, 299.4 किलो न्यूटन. ये फोर्स 8 बोल्ट को रजिस्ट करना है, तो एक बोल्ट को कितना फोर्स रजिस्ट करना पड़ेगा? 299.4 डिवाइड बाय 8. सो फोर्स रजिस्टेड बाय 1 बोल्ट, डिवाइड कर दो 8 से. कैलकुलेट. कैलकुलेट कीजिए कितनी वैल्यू आ रही है. 37.4 किलो न्यूटन. सो आंसर इज बी. सो 37.4 किलो न्यूटन. आ रहा है सबका यही? क्लियर है प्रॉब्लम? तो जितनी भी प्रोफाइल है सवालों की वो सारी कवर हो रही है. ऑल दी प्रोफाइल्स ऑफ दी प्रॉब्लम वी आर कवरिंग एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर डिस्कसिंग. हर सब्जेक्ट के कम से कम 20 सवाल करा दिए मैंने आपको, कम से कम. कई कई सब्जेक्ट में तो 30-30 भी करा रखे हैं. इन फ्यू टॉपिक्स आई हैव डिस्कस 30 प्रॉब्लम्स ऑल्सो. तो ऑलमोस्ट पूरी प्रोफाइल ही कवर हो जाती है. ऑल दी प्रोफाइल्स आर कवर्ड. चलो आगे बढ़ते हैं. देखो अगला प्रॉब्लम क्या. क्लियर है? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम समझ नहीं आया. हेमिस्फीयर का वॉल्यूम समझ में नहीं आया. हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि वो हेमिस्फीयर है. ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. देखो क्या बोल रहे हो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. स्फीयर का वॉल्यूम लिखा, आधा कर दिया, तभी तो उसका नाम हेमिस्फीयर है. डायमीटर दे रखा था आपको 4, तो 4 2 रेडियस हो गया, तो यहां पे 4 2 लिखा हुआ था मैंने. चलो देखो क्या है. व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर. सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, हाइट है 160 mm, इज फ्लोटिंग इन अ वाटर. सॉलिड सिलेंडर है, डायमीटर दे रखी है, हाइट दे रखी है, फ्लोट कर रहा है पानी के अंदर विद इट्स एक्सिस वर्टिकल. If the specific gravity of the water is 1.2 and the relative density of the cylinder is 0.8, then which of the following is true? The weight of the cylinder is MSQ type problem आ गई है. The weight of the cylinder is 157.71. Cylinder का weight निकाले पहले, cylinder का weight. So weight of cylinder is pi 4² / 4. So pi d square by 4 into height, volume हुआ, इंटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर 0.8 × 9.81. दिस इज द वेट ऑफ द सिलेंडर. पहला पार्ट निकालो. सो वेट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप. देखो क्या आ रहा है. वेट ऑफ सिलेंडर ये किलो न्यूटन में आएगा. दिस विल कम आउट इन किलो न्यूटन, ध्यान रखना. आपसे वो न्यूटन में पूछ रहा है, पर यह आंसर किलो न्यूटन में आएगा. कितनी आ रही है? 157.7. बेटा एक किलो न्यूटन में आएगी वैल्यू. 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है ना ये.
0.1577 किलो न्यूटन, सो 157.7 न्यूटन, तो सही है, करेक्ट। फिर अगला क्या पूछ रहा है, अगला पॉइंट पूछ रहा है मेटासेंट्रिक हाइट बता दो। सो नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है मेटासेंट्रिक हाइट बता दो, तो मेटासेंट्रिक हाइट के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, इन ऑर्डर टू फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटेड। तो मेटासेंट्रिक हाइट है 6.6 सेंटीमीटर, क्या होती है मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट है जीएम, तो जीएम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और कुछ भी है इक्विलिब्रियम में है समर्ज डेप्थ ऑफ द सिलेंडर, चलो निकालते हैं, कैलकुलेशन तो सारी करनी पड़ेंगी। तो ये सिलेंडर है, दिस इज द सिलेंडर, समर्ज्ड है, टोटल कितनी है हाइट, टोटल है 160 mm, जो समर्ज्ड है उसको वाई मान लिया, समर्ज्ड है वाई मान लिया, ये वैल्यू है जी की, ये वैल्यू है बी की, और यहाँ पर कहीं पे होगा एम, चलो ये पॉइंट जो बेस पे है उसको बोल दिया ओ। तो नाउ विल से फ्लोटेशन का कंसेप्ट, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू जीरो, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ सिलेंडर शुड बी इक्वल टू बॉयंसी फोर्स, सो वन नहीं, सो वेट ऑफ सिलेंडर शुड बी इक्वल टू बॉयंसी फोर्स, तो वेट ऑफ सिलेंडर कितना है 0.1577, बॉयंसी फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू व्हाट, वाई इंटू पाई 0.4 स्क्वायर बाय 4, वॉल्यूम इंटू 1.2 इंटू 9.81, यहाँ से आप क्या निकाल लो, वाई निकाल लो, समर्ज डेप्थ चेक करना, समर्ज डेप्थ कितनी आ रही है, व्हाट इज द समर्ज डेप्थ कमिंग आउट, समर्ज डेप्थ यहां से मीटर में आएगी, हेयर द वैल्यू विल कम आउट इन मीटर, यूनिट्स का ध्यान रखना आरएफ, टेक प्रॉपर केयर ऑफ यूनिट्स, 0.106 मीटर, सो 10.66 सेंटीमीटर, सो 10.66 सेंटीमीटर, ठीक है हट गई, सो 10.66 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये बात भी सही है। नाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीजी, बीजी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो बिल्कुल बीजी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बीजी की वैल्यू, सो बीजी इज हाउ मच, बीजी इज इक्वल टू 16 बाय 2 माइनस 10.66 बाय 2, ये वैल्यू आ गई हमारे बीजी की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीजी कमिंग आउट, तो हमने बीजी की वैल्यू कैलकुलेट करी, देखो बीजी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीजी कमिंग आउट, ये सेंटीमीटर में आएगी, दिस विल कम आउट इन सेंटीमीटर, आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट दिस वैल्यू इन मीटर, 10^-2, 2.67 व्हाट सेंटीमीटर, सो 2.67 सेंटीमीटर, सो 0.0267, सो 0.0267 मीटर बीजी आ गया। व्हाट अबाउट बीएम, बीएम किसके बराबर होती है, बीएम इज इक्वल टू आई बाय वी, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लान एट द लेवल ऑफ द लिक्विड, तो सर्कल है, सर्कल की आई कितनी है, तो सर्कल की आई एट द लेवल ऑफ द लिक्विड, सो इट इज इक्वल टू पाई डी 4/64, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू व्हाट, इंटू वाई, तो वाई हमने निकाल लिया था ये, सो इंटू वाई, तो ये पाई कैंसिल आउट हुआ, डी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, स्क्वायर आ गया 16 आ गई, तो डी की वैल्यू कितनी है, डी है हमारा 0.4 का होल स्क्वायर बाय 16 इंटू वाई, वाई कितना है हमारा
0.106, ये हमने BM निकाल लिया, BM आ गया तो अब हमारा GM आ जाएगा, GM इज इक्वल टू BM माइनस BG, BM की वैल्यू आप बताओगे, BG हमने कैलकुलेट कर लिया, सो माइनस 0.0267, कैलकुलेट BM कितनी वैल्यू आ रही है, 0.0943, सो 0.0943, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट कमिंग, मेटासेंट्रिक हाइट कितना आ रहा है, 0.067 मीटर, तो 0.067 मीटर मेटासेंट्रिक हाइट, अगर हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो 6.6 सेंटीमीटर, तो सही है, मेटासेंट्रिक हाइट सही है, इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, यह भी सही है, इसका मतलब आंसर क्या है, सारे ऑप्शन सही हैं, ए बी सी डी सारे ऑप्शन सही करवा दिए, मतलब इतनी मेहनत करवा दी कैलकुलेशन में, तो सारी बातें कैलकुलेट कर ली इसके अंदर हमने।